तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, और वीवीए का हमारा पहला बैच स्टार्ट हो रहा है, पहली क्लासेज है, और ये वीवीए का पहला बैच नहीं, पहली क्लासेज स्टार्ट हो रही है। और इसमें हम बात करेंगे कुछ फंडामेंटल ऑफ द वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में। और स्टार्ट करने से पहले हम सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज की श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो मेरे तरफ से आप लोगों की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो जी, आपको भी सर। ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की, और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का हम फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कंप्यूटर स्क्रीन दे दिया है, और हम बात कर रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। सबसे पहले जानिए कि वीवीए का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में एक बार जान लीजिए। वीवीए का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। तो ये कोई वीवी सिक्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आपका वीवी सिक्स या वीवी स्टूडियो नहीं है सर, क्योंकि वीवी सिक्स और वीवी स्टूडियो की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप एक नया एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। लेकिन वीवीए क्या है, वीवीए जिसकी मदद से आप अपने एक्सेल के अंदर में नए फीचर्स, नए कमांड, नए फॉर्मूले डेवलप कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन होती है कि वीवीए और वीवी सिक्स एक ही है, बट हाँ, प्रोग्रामिंग आपस में मिलती जुलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वीवीए और वीवी सिक्स दोनों एक ही है। वीवीए के मदद से आप सिर्फ एक्सेल में यूज होने वाले फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेल से बाहर नहीं, वीवी सिक्स की मदद से कुछ भी कर सकते हैं। तो एक कंफ्यूजन खत्म हुई। दूसरा कंफ्यूजन होता है मैक्रोज। अब बहुत सारे लोग हमें फोन करते हैं कि सर मुझे मैक्रो नहीं सीखना है, मुझे वीवीए सीखना है। तो मैंने पूछा है वीवीए वी मैक्रो में क्या क्या है। सर मैक्रो होता है जो रिकॉर्ड करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम वीवीए के मदद से बनाते मैक्रो है। वीवीए क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसकी मदद से हम मैक्रो तैयार करते हैं। तो रिकॉर्डिंग मैक्रो क्या है, रिकॉर्डिंग मैक्रो भी मैक्रो तैयार करता है, वो भी वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग की कोड का यूज करते हुए। एक तरह से ऑटो पायलट है जो कि आपके बिहाफ पे मैक्रो क्रिएट कर देता है, समझे, आपके बिहाफ पे मैक्रो। मतलब कि मुझे मान लीजिए एक मैक्रो बनाना है जो कि A1, B1, C1 पे एक नाम, नाम, रोल नंबर और मार्क्स टाइप कर दे। तो हमने कोडिंग ना करके हमने रिकॉर्ड किया और हमने मैनुअली यहाँ पे नेम लिख दिया। अब जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिखा तो नेम लिखने का कोड जनरेट हो गया, मैं यहाँ पे रोल लिखा तो रोल लिखने का कोड जनरेट हो गया, और यहाँ पे मैं मार्क्स लिखता हूँ तो मार्क्स निकलेगा, कोड जनरेट हो गया। कहाँ पे, वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के अंदर, ये देखिए, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग मैक्रो ने आपके बिहाफ पे एक कोडिंग कर दिया, और यही आपका वीवीए प्रोग्रामिंग। उसने यूज क्या किया, वीवीए प्रोग्रामिंग को ही यूज किया। सो आप अगर खुद यूज करें या रिकॉर्ड करें, बनाएंगे ही मैक्रो। तो माइक्रो और रिकॉर्ड मैक्रो में फर्क आप समझ आ गया, किसी को डाउट तो नहीं है। वैभव जी, अनिल जी, कोई डाउट है आपको? नो सर। यूसुफ जी, कोई डाउट इसमें? नो सर, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ के आता है, जब रिकॉर्डिंग माइक्रो खुद ब खुद रिकॉर्ड कर देता है तो फिर हम प्रोग्रामिंग सीखे क्यों, है ना क्वेश्चन सर? कि अगर माइक्रो प्रोग्रामिंग खुद प्रोग्राम कर देता है तो फिर हम प्रोग्रामिंग सीखे क्यों। तो यहां पे है कि रिकॉर्डिंग माइक्रो जो रिकॉर्ड कर रहा है वो 100% रिकॉर्ड नहीं कर रहा है सर। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ काम इसी से कर ले। क्यों, क्योंकि बहुत सारे जो ये है वर्क है, जैसे कि रिपीटेशन हो गया, जैसे कि डायनेमिक हो गया, जैसे कि कंडीशंस हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, ये चीजें रिकॉर्डिंग माइक्रो नहीं करता।
तो रिकॉर्डिंग माइक्रो का यूज क्या है ये आपको हम अगली क्लास से बताएंगे, फिलहाल इसको स्किप कीजिए वरना टॉपिक अलग से अलग चला जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि अगर वीवी एक फैक्ट्री है जिसके प्रोडक्ट क्या क्या है, तो सबसे पहला है हमारा मैक्रोस, दूसरा है मेरा फंक्शन और तीसरा है हमारा यूजर फॉर्म। अब चलिए इसके बारे में सीखते हैं। मैक्रोस जो भी आपने बनाया वो मैक्रोस होता है ऑटो पायलट, कि आप रन करेंगे तो आपने जो कोड किया है वो कोड को टाइप कर देगा। फंक्शन है जैसे कि हम यहाँ पे वी लुकअप एच लुकअप ऐसे जो हम यूज करते हैं इस तरह के खुद के फॉर्मूले बनाना। और यूजर फॉर्म क्या है, यूजर फॉर्म है आपका इंटरफेस, जैसे कि आप फंक्शन पे ही क्लिक करते हैं इस तरह का जो आता है ना सर इनपुट बॉक्स, तो इस तरह के जो पॉपअप होते हैं इस तरह की पॉपअप हम डिजाइन करते हैं यूजर फॉर्म। तो माइक्रो ये ऑटो पायलट मतलब कि कोई ऐसा काम है उसका प्रोसेस आप लिख दीजिए, अगले बार रन करेंगे ऑटोमेटिकली आपका वो काम हो जाएगा, एक तरह से ऑटो पायलट की तरह वर्क करेगा। दूसरा होता है फंक्शन, आप फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा होता है यूजर फॉर्म, आप एक इंटरफेस तैयार कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हम वीवी का इस्तेमाल कब करें। देखिए दो केसेस में, एक होता है लेंथी रिपीटेड जॉब, जैसे कि अगर आपको एक ही काम को कई बार करना हो, डेली करना हो या हफ्ते में करना हो तो करने में काफी टाइम लगता है। जैसे कि मुझे मान लीजिए कि हर एक घंटे में सबको मेल करना होता है, तो मैंने क्या किया एक मैक्रो बना दिया, सिलेक्ट किया और मैं मैक्रो रन करूंगा तो ऑटोमेटिकली जीमेल लॉग इन करेगा, मेल को कंपोज करेगा, टू में डालेगा, सीसी में डालेगा, सब्जेक्ट डालेगा और उसको मेल कर देगा। ये तो हो गया हमारी मेलिंग के बाद, ठीक है। तो क्या इसी तरह की चीजें आप ऑटोमेशन कर सकते हैं, इसको बोलते हैं रिपीटेड जॉब। दूसरा होता है लेंदी जॉब, मतलब तो कोई एक काम एक ही बार आया है लेकिन वो काम काफी लेंदी है, अगर आप मैनुअल करने बैठेंगे तो काफी टाइम लगाएगा, तो उस केस में हम क्या करते हैं उसको वीवी यूज करते हैं। एग्जांपल में मैं यहाँ पे एड पोस्ट साइट लिस्ट पे गया, एक मैं लेता हूं साइट, नहीं ये नहीं, आ गया चेंज हो गया लग रहा है। मैं इसीलिए इसको और निकालता हूँ सर, जाइए इंटरनेट से आ जाता था, इजीली आ जाता था, बट यहाँ पे लिस्ट नहीं आ रहा है।
ओके इतना ही रहने देते हैं। तो यहां पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने कुछ लिस्ट निकाला है। अब इसे ईवाई है और ये बहुत सारे वेबसाइट लिस्ट है, तो मुझे इसका क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए। और फिलहाल मान लीजिए कि पी नहीं है, लेकिन हो सकता है 30,000, हो सकता है 3,00,000 या उससे भी ज्यादा हो सकता है। मुझे इसकी एड्रेस चाहिए ताकि मैं उस पर जा सकूं या उसका यूज कर सकूं। तो यहां पे जैसे आप देख रहे हैं कि इसका एड्रेस जो है इसका हाइपरलिंक है। तब इस पे राइट क्लिक करते हैं, एडिट हाइपरलिंक पे जाते हैं और यहां से हाइपरलिंक को कॉपी करते हैं और यहां पे इसको पेस्ट करते हैं। आ गया सर? तो इसी काम को मैं करना चाहता हूं क्विकली, तो इसके लिए हम सिंपल सा वीवी यूज करेंगे, क्योंकि अगर मैनुअल हम करने जाएं तो मैनुअल क्या होगा, काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो हमने सिंपल सा एक फॉर्मूला बना रहा हूं यूआरएल नाम का, सिंपल सा। अभी कोड क्या है इसके बारे में हम आगे हम समझाएंगे, बस आपको यूज बता रहा हूं कि हमें मैक्रो कब इस्तेमाल करना है। URL इक्वल टू एन डॉट हाइपरलिंक वन डॉट एड्रेस, बस सिंपल सा एक लाइन का कोड हमने लिखा यहां पे URL को सेलेक्ट किया और नीचे की तरफ ड्रैग कर, हो गया सर। अब 3,00,000 हो, 30,000 हो, एक आम चुटकियों में कर दे रहा है। तो यही से आपको होता है कि आपको डिसाइड करना होगा कि इस पे हम VVA लगाएं या नॉर्मल भी हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि VVA माइक्रो प्रोग्रामिंग हम हमेशा यूज करने में दिक्कत होता है। अब इसके बारे में बताता हूं कि VVA माइक्रो प्रोग्रामिंग हम कब यूज करेंगे, जब एक्सेल से फीचर एक्सेल में वो फीचर अवेलेबल ना हो या अवेलेबल हो तो काफी लंबी हो, टाइम कंज्यूमिंग हो, तभी हम यूज करेंगे VVA माइक्रो प्रोग्रामिंग का। साथ हम ये भी देख लेंगे कि हम मैनुअल करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा या प्रोग्राम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। मान लीजिए आपको एक सिंपल सा एक समरी निकालने का काम मिला, उसको आप जनरली से सिलेक्ट करके पिवट से निकाल सकते हैं। अब उसके लिए अगर आपने VVA इस्तेमाल किया तो काफी टाइम ले लेगा। और दूसरी चीज है, चलो मान लीजिए VVA इस्तेमाल कर सकते हैं कब, जब आपके वो समरी आपको हर दिन निकालनी है या एक पर्टिकुलर हफ्ते में या महीने में निकालना होता है और आपका टाइम ज्यादा लगता है, तो उस समय आप उसकी कोडिंग कर सकते हैं। लेकिन वो फर्स्ट टाइम आया है, इन फ्यूचर में आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो वहां पे VVA यूज करना थोड़ी सी बेवकूफी सा लगेगा। ओके दूसरी चीज ये भी आपको डिसाइड करना है कि एक प्रोग्राम या एक जो VVA यूज करने जा रहे हैं वो किसके लिए। क्या होता है कि हर किसी का अपना माइक्रो सिक्योरिटी जो होता है वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, डिसेबल विथ नोटिफिकेशन। क्यों? क्योंकि माइक्रो के साथ साथ कुछ वायरस आने के भी चांसेस होते हैं इसलिए। तो अगर आपने किसी को फाइल, मान लीजिए कोई फाइल पे काम कर रहा है, उसको आपको 100-200 लोगों को भेजना है। अब 100-200 लोग जो आपको भेज रहे हो सबको माइक्रो से फैमिलियर तो नहीं होगा, जैसे ही फाइल ओपन करेगा उसको माइक्रो सिक्योरिटी अलर्ट दिखाएगा। अब इसको पता होगा कि भाई इसको मुझे अनेबल करना है माइक्रो, तब यूज हो पाएगा, इसके पास माइक्रो लगा है तो अनेबल कर लेगा। लेकिन कईयों के पास ये नॉलेज नहीं होगी, वो सीधे बोलेगा यार इसमें तो वायरस आया हुआ है, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है, और फाइल को क्लोज कर देगा। अब आपको उसको फोन करके बताना पड़ेगा कि भैया इसमें माइक्रो लगा हुआ है, अनेबल करो, सिक्योरिटी देन वर्क करेगा। तब तो ये सर काफी टेंशन वाली जॉब हो जाएगी ना सर, हर किसी को फोन करके बताना। तो अगर आप किसी को फाइल, बहुत सारे लोगों के लिए फाइल बना रहे हो, तो आप इंश्योर कर लो कि बिना माइक्रो के जब तक ना होगा तब तक माइक्रो इस्तेमाल ना करो। माइक्रो इस्तेमाल करना आपका लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि फर्स्ट प्रायोरिटी। अब एग्जांपल एक आपको मैं दे रहा हूं, याद होगा मैंने आपकी शॉर्टिंग की क्लास में बताया था कि मैं चाहता हूं हर एक रो के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना। अब मान लीजिए काम मेरे पास एक बार ही आया है लेकिन काफी लंबा है, मतलब कि जरूरत नहीं है। अब मुझे इसके लिए बहुत सारे लोग बोले हैं कि मुझे VVA इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि तो हमारे पास डेटा कितना है, 504 है। और 504 का 504 जो डेटा है
अब इतना बड़ा डेटा में हमें लगाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए तो हमने बताया था ना सिंपल, क्या करेंगे सर इसके लिए, याद है या भूल गए? याद है सर। क्या करेंगे सर? सीरियल नंबर लिख देंगे सर। हाँ, सीरियल नंबर को लिखेंगे, सीरियल नंबर को रिपीट करेंगे इसी के नीचे, तो शॉर्टिंग कर देंगे, सेलेक्ट करके डेटा को शॉर्ट कर देंगे। मुश्किल से एक मिनट से भी कम टाइम लगा हमें। यहाँ पे लास्ट सीरियल नंबर हो गया सर, और फिर हम इसको डिलीट कर देते हैं जो यहाँ है। तो एक मिनट से भी कम टाइम लगा, और VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, इतना टाइम तो आपको VBA की कोडिंग स्टार्ट करने में लग जाता। तो आप इस चीज को भी एक बार देख लीजिएगा। तो अब बात करते हैं कि माइक्रो स्टार्ट करने से पहले क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, कि प्रिपेयर क्या होना पड़ेगा आपको, अब इस चीज को एक बार जान लीजिए। सबसे पहले आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए घंटे दो घंटे का टाइम होना चाहिए। मैं पहली क्लास में आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं है तो VBA सीखना आपके लिए व्यर्थ होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक आपने एक्सेल सीखा, एक्सेल से आप फैमिलियर थे, यूज करते थे, तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगाते, थोड़ा सा तुक्का मारते थे और आपका हो जाता। बट VBA प्रोग्रामिंग आपके लिए बिल्कुल नया है, तो यहां आपको हर एक चीज को अच्छे तरह से प्रैक्टिस करना होगा। और VBA जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स नीड्स अ प्रैक्टिस, सिंपल सी कहावत है सर। दूसरी चीज, आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए। अगर डेवलपर टैब नहीं है तो फाइल मेनू बार में जाएं, ऑप्शन पे जाएं, और यहां क्या बोलते हैं एडवांस में, कस्टमाइज रिबन होगा, 2007 में जनरल में होता है, और इसमें एडवांस रिबन में कस्टमाइज पे आइए और कस्टमाइज पे क्लिक कर दीजिए, डेवलपर टैब यहां दिख जाएगा आपको, कस्टमाइज रिबन में ऑन कर दीजिए। तो डेवलपर टैब होना चाहिए। दूसरा है, जो हम विजुअल बेसिक खरीद खोल रहे हैं इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, ये आपके साथ एक्सेल के साथ इनबिल्ड होता है, सो ये आपके पास आ जाएगा। दूसरी चीज, माइक्रो सिक्योरिटी जो है आपका, उसको एनेबल करना है। अब ये चीजें आपको सिर्फ एक बार करनी, उसके बाद जब माइक्रो की कोडिंग करने से शुरू करने से पहले फाइल को सेव करें, किसमें, माइक्रो एनेबल वर्कबुक में। अब ध्यान रखिएगा सेव करते समय कि बाय डिफॉल्ट आपका होता है एक्सेल वर्कबुक। अगर गलती से आपने एक्सेल वर्कबुक में फाइल सेव कर दी तो आपकी कोडिंग सेव नहीं होगी और कोडिंग पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, क्योंकि एक्सेल वर्कबुक किसी भी तरीके से कोडिंग को, मतलब कि माइक्रो प्रोग्रामिंग को, माइक्रो कोड्स को एक्सेप्ट नहीं करता है, स्टोर नहीं करता है। सो माइक्रो अनेबल वर्कबुक। अगर आप मेरी तरह भूलने की बीमारी आपको भूल जाते हैं तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे आप जाएंगे सेव पे, और यहाँ पे एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक को सिलेक्ट कर लेंगे। ये वन टाइम करना है, उसके बाद जब भी आप कंट्रोल एस करेंगे बाय डिफॉल्ट में यहाँ पे डॉट एक्सेल एम ही आएगा, मतलब माइक्रो अनेबल वर्कबुक ही आएगा। ओके सर, तो एक प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। और आप लोगों को क्लास स्टार्ट होने से पहले एक आर्टिकल पढ़ना होगा। आर्टिकल क्या है, excel-vba.com। ये जो है हर किसी को मैं प्रोवाइड करता हूँ, जी हाँ, हर किसी को प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि मैंने भी शुरुआती में जब लर्निंग स्टार्ट की थी तो मैं भी इसी वेबसाइट को रेफर किया था, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और जिस जिसको मैंने रेफर किया है सबको अच्छा लगा। तो इस आर्टिकल को एक बार अपने हिसाब से पढ़िएगा कि आखिर क्या होता है VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आप देख लीजिएगा जो चैप्टर आपको पसंद आए, मैं कि जहां तक पढ़ सके, मुझे पसंद है, जहां तक पढ़ सके आप उसको एक बार स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है सर, एक बार फिर आप लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं,
और कल की क्लास में इससे आगे के चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक क्लास की वीडियोज मैं YouTube पे डाल दूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो ये वीडियोज की नोटिफिकेशन आ जाएगी, अदरवाइज IPT इंडिया को सर्च कर लीजिएगा YouTube पे, आपको मिल जाएगा।